सब्सक्राइब कीजिए माइंड फ्लाइट फैक्ट्स को, साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल नॉलेज फैक्ट्स और अमेजिंग चीजों को जानने। सबसे पहले जानने के लिए और सबसे बड़ी बात, ये बिल्कुल फ्री है। सलमान हिंदुस्तान में नहीं आते तो शायद ये ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद और शायद अंग्रेज भी भारत में नहीं आते। इंडियन हिस्ट्री को मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, यानी कि एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न। शायद भारत का अलग ही इतिहास होता। हेलो दोस्तों, मैं हूँ MFF माइंड फ्लाइट फैक्ट्स और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मुस्लिम भारत में कैसे आए, यानी कि मिडिवल पीरियड्स के स्टार्टिंग होने का टाइम। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, नॉलेजेबल वीडियो है ताकि आपको फुल इंफॉर्मेशन मिले। भारत में सबसे पहला मुसलमान इराक का मोहम्मद बिन कासिम आया था 712 AD में अटैक करने पर। वह युद्ध करके सिंध के राजा को हराकर और लूटकर चले गया और ये बात फैल गई कि भारत में बहुत पैसा है। इसके बाद बहुत टर्किश इन्वेशन हुए महमूद ऑफ गजनी, गजनीवार डायनेस्टी के, जो कि अफगानिस्तान में थी। गजनीवार डायनेस्टी के सुल्तान इंडिया को बहुत लूटना चाहता थी। इसने सत्रह बार भारत को बहुत लूटा और 16वीं रेड में इसने गुजरात के ऋषिराज सोमनाथ टेम्पल को भी बुरी तरह से लूटा। और इसने ये पैसा गजनी जहाँ का वह राजा था वहाँ पर सुंदर सुंदर टेंपल और सुंदर सुंदर मॉस्क्यू और उसे डेवलप करने में लगा दिए और ज़्यादा से ज़्यादा उसने गार्डन्स बनाए और बहुत अपने उसने पूरी सिटी को बहुत अपनी कैपिटल को बहुत सुंदर बना दिया। पर इस इन्वेट से भारत पर बहुत इफेक्ट पड़े। पंजाब एक मुस्लिम टेरिटरी बन गया 150 साल तक और 1130 CE यानी कि 1030 CE में महमूद ऑफ गजनी ने दुनिया छोड़ दिया, यानी कि वो मर गया। और जो इसके सक्सेसर्स थे वो इतने एबल भी नहीं थे, मतलब इतने ताकतवर भी नहीं थे और उन्हें कोई इंटरेस्ट भी नहीं था इंडिया में। गुजरात के सोमनाथ टेंपल पे उस टाइम पर 2000 से ज़्यादा पंडित थे, 100 से ज़्यादा म्यूजिशंस थे, डांसिंग गर्ल और बारबर्स थे 100 से ज़्यादा। महमूद इसकी वेल्थ से चौंक गया, वो देख के हैरान हो गया, भाई साहब इतने ज़्यादा पैसे इस अकेले मंदिर में। इस इन्वेट से और रूलर्स को भी इंडिया में इंटरेस्ट आ गया। महमूद ऑफ गोरी, जिनकी वजह से पूरी मुस्लिम टेरिटरी इंडिया पर आ पड़ी, महमूद ऑफ गोरी इंडिया की वेल्थ में ललचा गया था। सन 1178 में इसने गुजरात को लूटने की कोशिश करी पर ये फेल हो गया। तो फिर इसने सोचा कि मैं पहले भाई एक बेस बनाता हूँ, एक स्टेट पे कब्जा करता हूँ, फिर पूरे भारत को कॉन्क्योर करूँगा। तो इसने पेशवा, लाहौर और फिर सहेलाकोट को जीत लिया। पर उस टाइम पर हमारे महान राजा पृथ्वीराज चौहान का बोलबाला था। चौहान ने दिल्ली पर राज कर लिया था तोमरों को हरा कर और 11 साल की उम्र में पृथ्वीराज चौहान ने अपना थ्रोन असेंड कर लिया था। तो इन दोनों के बीच एक घमासान युद्ध हुआ 1191 में, जिसे हम बैटल ऑफ ट्रायन के नाम से जानते हैं। इस बैटल में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद ऑफ घोरी की बुरी हालत कर दी, तो बुरी हालत और इसे उसे मात भी दे दी। पृथ्वीराज चौहान ने घोरी को इतनी बुरी तरह से रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते। पर पृथ्वीराज चौहान ने उस पर दया कर मोहम्मद ऑफ घोरी को मारा नहीं, उसे हिंदुस्तान से वापस चले जाओ ऐसा कहा। और पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली के बदरपुर तक, जो मोहम्मद ऑफ घोरी को पैदल घिसाड़ते बदरपुर बॉर्डर तक ले लिया और उधर से उसके बाद निकाल दिया। पर इसके बाद मोहम्मद ऑफ घोरी को उसका गुस्सा आसमान तक पहुंच गया था। एक साल बाद फुल पावर फोर्स मिलिट्री को लेकर फिर वो आया। इसे सेकंड बैटल ऑफ ट्रायन कहा गया। इसमें लाखों सैनिक मारे गए, ये तो पिछले वाले से भी घमासान युद्ध था। बट फाइनली इस युद्ध में मोहम्मद ऑफ घोरी ने पृथ्वीराज चौहान को डिफीट कर दिया।
तो इस बैटल ऑफ इसे बैट इसे सेकंड बैटल ऑफ ट्रायन कहते हैं। और इस सेकंड बैटल ऑफ ट्रायन ने पूरे अखंड भारत के इतिहास को बदल दिया और मुस्लिम टेरिटरी इस्टेब्लिश हो गई। जो मोहम्मद गोरी था, इसने हमारे पृथ्वीराज चौहान जो कि लास्ट हिंदू रूलर थे उसे मार दिया। पर उसको ऐसा नहीं करना था, क्योंकि जो पृथ्वीराज चौहान था उसने बहुत सारी जगह लूटी, मतलब बहुत सारी जगह उसके पास थ्रोन था, मतलब कि वो बहुत सारी इंडिया में उस टाइम पे बोलबाल ऐसी का था, तो ये वहाँ बहुत सारी जगह का राजा था। तो अजमेर इसके पास रहता था जो कि ये राज कर सकता था। मोहम्मद गोरी को उसे माना नहीं था क्योंकि ये अजमेर का भी राजा था, पर मोहम्मद गोरी ने इसे मार दिया। पर हमारे पृथ्वीराज चौहान ने इसे नहीं मारा था। तो इससे अखंड भारत का इतिहास बदल गया और मुस्लिम टेरिटरी इस्टेब्लिश हो गई और दिल्ली कैप्चर, और फिर मोहम्मद गोरी ने एक एक करके दिल्ली को भी कैप्चर कर लिया और अपने या तो फिर एक एक करके और युद्ध जीतता रहा और अपने एक एक मतलब ये एक एक करके युद्ध जीतता रहता था और अपने एक एक चेलों को सब जगह उठाते रहता था। तो जब इसने दिल्ली कैप्चर कर लिया तो फिर इसने अपने एक चेले यानी कि स्लेव गुलाम को ही अपने दिल्ली पर के थ्रोन पर उठा दिया बिठा दिया, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये वापस लाहौर चले गया और लाहौर में ऐश उठाता था हमारे इंडिया के पैसों से। तो बाद में इसकी चौबन यानी कि पोलो घोड़े से गिरकर, ये एक पोलो गेम होता है जिसमें घोड़े पे, आपको पता ही होगा घोड़े पे बैठकर हम खेलते हैं जैसे कि हम गोल्फ खेलते हैं, तो उसे चौबन कहा जाता था। पर पोलो खेलते समय ये घोड़े से गिर गया और इसकी मृत्यु हो गई। तो इसी के बाद ये हिस्ट्री का पूरा टर्निंग पॉइंट था इंडिया की हिस्ट्री के लिए भाई, क्योंकि दिल्ली पर जो थ्रोन जिसमें था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसके सक्सेसर्स मतलब कि इसके आगे के इसके भी बहुत सारे, मतलब अब इंडिया पूरी मुस्लिम टेरिटरी बन जाएगी और फिर अब आगे भी बहुत घमासान युद्ध होंगे। दोस्तों ये है मैंने आज इसकी वीडियो में आपको बता दें कि मुस्लिम कैसे भारत में आए, कब आए, क्यों आए। ये इंडिया की लालच को देखकर, इंडिया में क्योंकि सोने की चिड़िया इंडिया को कहा जाता था, तो मतलब कि इंडिया बहुत रिच थी, तो उन चीज़ों के लालच से आए ये टर्किश और ये मतलब अरब के कॉन्क्वरर्स इंडिया पे लालच से आए और ने इंडिया को कैप्चर कर लिया। तो ये मैंने आज की आपको इस पूरी वीडियो में सब कुछ बता दिया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी उसे लाइक करना, चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है भाई, और कमेंट करके अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अगर मैंने कुछ गलत कहा तो कमेंट ज़रूर कर देना, मैं उसका बुरा नहीं मानता। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, अगर आपको एक और पार्ट चाहिए तो इसका नीचे लिख देना आई वॉन्ट पार्ट 2 कमेंट बॉक्स में। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।